कई नौजवान पेसर्स पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए हैं कई लाइन में भी हैं तो आपको किस बॉलर ने ज़्यादा मुतासर किया देखिए टू बी ऑनेस्ट अभी अभी जो पी में uh, लाइक uh, हम मैंने जो देखा है तो जो जो थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की है लाइक स्पेशली फर्स्ट लेग में जो जो मुल्त, uh, मुल्तान और लाहौर में हुए तो आ, उसने बड़ा इम्प्रेस किया है मोहम्मद अली ने बड़े अच्छे बॉल किए बाकी अगर आप यंगस्टर में बात करें तो अभी रिसेंटली जिस तरह उसका डेब्यू हुआ था बाास का डेब्यू हुआ था बड़ा इंप्रेसिव डेब्यू हुआ था आ, उसमें पोटेंशियल है ये दो लड़के हमारे अगर आप फास्ट में हम काफ़ी वो ऑलराउंडर के बारे में बात कर रहे थे कि हम ऑलराउंडर नहीं बना रहे तो आई थिंक ये दो लड़के अभी पी एस एल में भी और उससे पहले भी आ, इवन न्यूजीलैंड सीरीज पे भी जिस तरह और ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे आमिर जमाल को जो मैंने देखा है या आब्बास को उन दोनों में पोटेंशियल है कि अगर आप उनपे काम करो उन पर इन्वेस्ट करो इन दोनों पे इन्वेस्ट करते हो तो ये फ्यूचर में आपके लिए अच्छे राउंडर बन सकते हैं क्योंकि इनमें एबिलिटी है कि ये आपके लिए बिग हिट भी मार सकते हैं बॉलर बॉलर अच्छे है प्लस फील्डर अच्छे है तो आई थिंक इन फ्यूचर अगर हम इन दो यंगस्टर पे आप मजीद काम करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर में अच्छे राउंडर बन सकते हैं तो अबास को तो को जब भी होता है तो मैं उनके, उनके, उनके साथ बात करता हूँ जहाँ पे अगर पी एस एल में जहाँ पे मुझे मिला है वहाँ पे फेस टू फेस उसके साथ बात किया अदरवाइज अगर मौका नहीं मिला तो फोन पे उसको एडवाइस करता हूँ मैंटोरिंग करता हूँ बिल्कुल और बताता हूँ कि अब, स्पेशली uh, uh, कौन सी कंडीशन में किस तरह बॉल करना है आपने कंडीशन को किस तरह असेस करना है आपको विकेट किस तरह लेते हो टैलेंटर को किस तरह आउट कर सकते हो या अगर एक एक, एक सेटल बैट्समैन खेल रहे हैं तो उसको किस तरह की बॉल करनी है तो ऑबली टाइम टू तो टाइम उसके साथ बात करता रहता हूँ शादाब खान पाकिस्तान के ऑलराउंडर और स्पिन बॉलर अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए लेकिन पिछले साल आपने उनके हवाले से एक बयान दिया था जो कि इंजरी जो उनको हुई थी कि ये मुझे लग रहा है कि ऐसे ही भाग रहा है कुछ इस तरह का था जिसमें जाहिर हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चली थी वो खबर तो उसके बाद शायद आपके साथ आपका रब्ता भी हुआ होगा तो ताल्लक़ात सही हैं उनके साथ नहीं टू बी ऑनेस्ट मैंने ये पहले भी अभी बी पी एस एल में भी हमारे पिशावर जलमी के एक पॉडकास्ट में भी मैंने ये कहा था और अभी यकीन आपके आप, आप प्रोग्राम के थ्रू भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो उसकी आप किसी के बारे में राय नहीं दे सके जब द, जब तक आपको पूरे हंड्रेड परसेंट आप शोर नहीं हो कि यार उनको किस नुअत की इंजरी है पहले तो मुझे इस चीज़ का इलम नहीं था खैर anyway, वो जिस जिस सीनारियों में और जिस 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 तरह अभी मैंने कहा था वो तो अब हिस्ट्री हो गई है उसके उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता लेकिन हाँ बिल्कुल जब पी एस के बाद जो मुझे मिला है मैं स्ट्रेट अवे उनके पास गया क्योंकि वो जो रियल स्टोरी थी उसको दो दफ़ा एक साल में दो दफ़ा ये कंकशन हुआ था और उसको जो तीसरी दफ़ा जो वहाँ पे हुआ था वर्ल्ड कप में तो डॉक्टर ने उसको लाइक रस था कि खुदा न खासा कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ ना हो जाए तो वो जो मुझे पता चला है तो मैं मैं जो फर्स्ट टाइम वो मुझे मिला है ट्रेनिंग कैंप में मैं उसके पास गया हूँ मैंने उसको स्टेट ऑफ एस सोरी कहा और मैंने कहा शताब मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूँ लेकिन ऑब्वियसली अ पाकिस्तानी और उस टाइम पे मैं, मैंने ये फील किया कि आपकी ज़रूरत थी टीम के लिए तो वो टीम के रिक्वायरमेंट के लिए मैंने ये बात की अदरवाइज शताब बड़ा ज़बरदस्त लड़का उसके बाद भी बड़े अच्छे ताल्लुक है हम दोबा सलाम बड़ी अच्छी है और उसकी आ, आ, मेरी फैमिली उसकी फैमिली आपस में बड़े अच्छे तरीके से रिलेशन उनके मिलते हैं आपस में लेकिन ऑब्वियसली मुझे आपने आ, जो स्टेटमेंट दी थी उसमें मुझे दुख हुआ था और आ, मैंने शदा आपको सॉरी भी किया था उन्होंने कहा नहीं नहीं है उम्र पर ऐसी कोई बात नहीं है ऑब्वियसली आप आपके साथ मेरे कोई ऐसी सीरियस वो तो नहीं है कि आप मेरा अगेंस्ट हो या कुछ भी हो आपने पाकिस्तान के लिए बात की हो तो आई थिंक मैंने उनको सॉरी कहा था और स्टिल uh, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त लड़का है और अब बड़ी अच्छी सलामी कोई हमारे रिलेशन पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा